नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डीके यादव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। बाजवा साहब, चंद सवाल हैं आपसे। मेरे करीब मशरक के अंदर भारत का बहुत बड़ी फौज का हमारे दुश्मन उसका एक जनरल पांडे वो आर्मी चीफ बनता है। उसके टोटल एहसास 26-29 लाख रुपए है। इस कौम को बता के जाओ कि तुम्हारे एहसास कितने हैं। आजम सवाती जो है वो पाकिस्तान में आईन की, कानून की, हुक्मरानी की हमेशा उन्होंने बात की है, रूल ऑफ लॉ की उन्होंने बात की है। 74 साल सेनेटर है पाकिस्तान का, पहले उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं, उसको बराना करते हैं, फिर उसकी इज्वाजी जिंदगी के हवाले से वीडियो बना के उनकी वाइफ को भेजा जाता है। किस तरह एक बंदे के ऊपर अटैक किया गया, कोई जितनी जल्दी ये गिरफ्तारी। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर तनकीद और उनको गाली देने के मामले पर 74 साला सेनेटर आजम सवाती को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। सख्त तरीन रद्द अमल आया है, अदालत से भी फैसला आ चुका है उनके रिमांड का। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नई जंग की चिंगारी जो है वो इस वक्त लग चुकी है। कहां से लाए हैं? मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, तुमसे पूछ रहा हूं और पूछता रहूंगा उस वक्त तक जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता। जनरल बाजवा, ये भी बता दो कि मेरी कौमी सलामती में कौन सा ऐसा इदारा है जिसमें चंद ऐसे बगैरत हैं कि जो अपने कौम की माओ बेटियों का, उनके शर्म और उनकी इज्जत का लिहाज नहीं करते और उनकी वीडियो बनाते हैं। कौन है वो लोग जो सियासतदानों की, जजों की, डॉक्टर्स की, प्रोफेसर्स की, सनतकारों की, ताजरों की फाइलें बनाते हैं और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं? आओ देखो, तो मेरे कप्तान को डरा रहे थे। इकराम, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बुजुर्ग सेनेटर आजम सवाती को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA साइबर क्राइम विंग गिरफ्तारी की तस्दीक कर चुका है। FIA की 3 रुकनी टीम ने आजम सवाती के फार्म हाउस पर छापा मारा और आजम सवाती को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़श्ता रोज आजम सवाती साहब की जो तकरीर थी पिंडी जलसे में, उस पर और इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट्स करने पर नया मुकदमा आजम सवाती जो है इनके ऊपर दर्ज किया गया है। कुचलाक पुलिस स्टेशन जो है वहां पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अब जब इन्हें पेश किया गया अदालत के अंदर, मकामी अदालत में, और वहां पर इनके रिमांड के लिए FIA ने दरख्वास्त दी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मौकफ था कि आजम सवाती की जान को बड़ा खतरा है। और जारी बात है, जो कस्टोडियल टॉर्चर आजम सवाती साहब के साथ हुआ और इन्होंने जो ट्वीट्स की हैं वो मैं अल्फाज यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करूँगा। आजम सवाती साहब ने जनरल बाजवा और वो जो मेजर जनरल साहब हैं जिनका नाम खान साहब भी लेते हैं, उनके हवाले से एक दो जारी बात है, उन्होंने बहुत गुस्से का इजहार किया और गाली भी दी ट्वीट के अंदर। और गालिबन यही बुनियाद बनी है जिसकी वजह से आजम सवाती को दोबारा गिरफ्तार किया गया। FIA के हवाले से मैं बता दूं कि 2 रोज़ा 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, लेकिन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया है। देखिए, कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है करें। कहना चाहता हूं कि आजम सवाती साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने गुज़श्ता रोज कोई ट्वीट्स वगैरह की थी, वैसे तो कल जो तकरीर वगैरह भी हुई उसमें भी उन्होंने काफी सख्त तकरीर की थी। अपनी ट्वीट्स के अंदर उन्होंने कुछ अफसरान को, कुछ लोगों को निशाना वगैरह बनाया। तो इस सिलसिले में FIA ने
फिर मुकदमा दर्ज किया है, उस मुकदमे के अंदर कुछ और लोगों को भी नामजद किया है, कुछ और ट्वीट्स भी हैं। और आजम स्वाति साहब को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया, जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया उस वक्त उनकी वीडियो भी है, और वो बता रहे हैं कि आज ये लोग कानून के मुताबिक आए थे, वारंट लेके आए थे और वारंट लाके इन्होंने मुझे दिखाया और फिर गिरफ्तार किया, तो ये तरीका कार तो ठीक है, लेकिन माजी में जिस तरीके से मेरे साथ जो हुआ, मेरे साथ जो सलूक किया, मेरी वीडियोस रिलीज की गई, मुझे भरना करके तशद्दुद किया गया, एक लंबी चार्ज शीट है जो आजम स्वाति साहब बार बार कहते हैं। कल शहबाज गिल साहब ने भी जलसे के अंदर बड़ा, आपने पता, बड़ी सख्त उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा हमारे साथ जो सलूक किया गया क्या ये सलूक मुनासिब है, और तफसील से उन्होंने उसके ऊपर बात की। अब आजम स्वाति साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, आज या कल किसी टाइम पे फिर उनको अदालत में भी पेश किया जाएगा, देखते हैं अब ये केस आगे किस तरफ जाता है। लेकिन जो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जनाब अब बिल्कुल चीजें चेंज हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन हुकूमती रवैया वही है और हुकूमत के अंडर ये इदारा आता है FIA और उसी ने उनको गिरफ्तार किया। अच्छा, अब ये जो चीज है उनकी गिरफ्तारी की, ये ऑब्वियसली एक तरह से उनके ऊपर इल्जाम है कि वो इदारों को टारगेट कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि वो एक शख्सियत को या दो शख्सियतों को टारगेट करते हैं और इस तरह वो इदारों को टारगेट नहीं करते। कल शहबाज गिल साहब ने भी इसी किस्म की बात आई की। अच्छा, इदारों को की आला क्यादत को गालियां पकने वाला और मुतनाजा बयान देने वाले को FIA के हाथों दोबारा गिरफ्तार हो चुका है। आजम स्वाति ऐसा कर क्यों रहा है? और ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली ना तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, और मैं आपको ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे प्रूफ दूंगा कि आजम स्वाति खुद उसको झुटला नहीं सकेगा। ये मेरा चैलेंज है आज आजम स्वाति को, क्या है और झुटलाए जरा। पाकिस्तान में एक अहम रवायत ये भी रही है कि जब कोई चोर चक्का लुच्चा लफंगा लुटेरा पैसा ज्यादा बना लेता है, और जब कोई डाकू अवाम को लूट लूट कर मालदार हो जाता है तो सारे काम छोड़ के सियासत में शामिल हो जाते हैं, ताकि अपने काले करतूतों पर पर्दे डाल सके, ताकि लूटे गए काले धन को सफेद भी किया जा सके जमहूरियत के नाम पर। शराफत और सफेद पोशी का ढोंग रचाने वाले हमारे इन सियासतदानों की जिंदगी की हकीकत अगर आप लोगों के सामने आ जाए तो ये इंसान नहीं, आपको इंसान के रूप में गिद्ध नजर आएंगे, जिनका जब बस चलता है इंसान को भंबोड़ना शुरू हो जाते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। और जब कोई इन गिद्ध की, इन वल्चर्स की असलियत सामने लाता है, उनका असली रूप आवाम को दिखाता है, तो ये वापस उसको काटना शुरू कर देते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं, मासूम होने का नाटक शुरू कर देते हैं, हर चीज को पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ ले जाते हैं। आजम स्वाति आजकल खबरों की जीनत में है, किसी अच्छे या नेक काम की वजह से खबरों की जीनत में नहीं है, बल्कि अपने फैलाई गए गंदगी की वजह से वो खबरों में इन है, और अभी तो बहुत सा गंद आना बाकी है। अमल में लाई जा रही है, उन मुल्जिमान को भी पकड़ लेते, तो वहां चलते पर जलते, वहां पर जो है वो होली काउज है, वहां पर क्या कानून की अमलदारी जो है वो कायम नहीं हो सकती। तो मैं ये समझता हूँ ये इस वक्त नजर आ रहा है, ये सारा निजाम जो है वो एक्सपोज हो चुका हुआ है। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की आवाम, कल रावलपिंडी में जिस तरह लोग बाहर निकले, लोग इसी निजाम के खिलाफ बाहर निकले, लोग इसी गिरफ्तारी उसी तनाजुर के खिलाफ निकले। हमारी तो जिद्दोजहद ही दो नहीं, एक पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ताकतवर और आम आदमी के लिए, एक कानून के लिए। अच्छा, पिछले दो दिन से जो हम फारूक हबीब साहब तो मामला देख रहे थे ना, हुकूमत की जानिब से हेलीपैड की इजाजत देना नहीं देना, यहाँ पर उतरना या स्टेज, या ये घबराहट थी, तो आपको लग रहा है कल जो एक पावर शो किया है आपने उसके बाद ही गिरफ्तारी हुई है, उसी की वजह से हुई है? देखिए, खौफजदा हो चुके हुए, ये घबराहट है और क्या है, खौफजदगी और घबराहट में ये काम वो करवा रहे हैं ना, जिन लोगों के नाम आजम स्वाति ने लिए हैं। सही है, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर उनको खौफजदा होने की क्या जरूरत है, घबराने की क्या जरूरत है? ठीक है, वो अपने आप को कानून के सामने पेश करें, आला मिसाल कायम होगी, उससे उनकी इज्जत में इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी, कमी नहीं होगी बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये हरकत करेंगे, FIA को एक रियासती जबर का एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, एक हथकंडे के तौर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, तो आजम स्वाति तो पहले ही खड़ा हुआ है डट के, अब उसके पास और गंवाने के लिए रह क्या गया? सही है, उसकी आपने इज्जत के ऊपर हमला किया, जब आप किसी की इज्जत के ऊपर हमला करते हैं, उसकी इज्जत नफ्स को आप मजरूह करते हैं, तो फिर वो शख्स उसके पास और कुछ नहीं रह जाता। नमस्कार दोस्त, जय हिंद। दोस्तों, बाजवा से सवाल पूछने वाला इमरान का सेनेटर गिरफ्तार हो गया है। इमरान का सेनेटर 74 साल का आजम स्वाति ने इमरान खान के रावलपिंडी जलसे में जिस तरह से बाजवा के करप्शन को नंगा किया था और बाजवा से जम करके सवाल पूछे थे, उससे बौखला कर बाजवा ने उसे गिरफ्तार करवा लिया है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों की पाकिस्तान में
कोई खैर नहीं, क्योंकि उसने साथ ही भारत के आर्मी चीफ की भी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे लोग इतना करप्शन करते हैं, भारत का इतना बड़ा आर्मी का चीफ, उसकी कुल संपत्ति 29 लाख रुपए की और हमारे बाजवा साहब की अरबों में है। इससे बौखलाकर बाजवा ने उसको गिरफ्तार करवा लिया है। साथ ही इमरान खान के जो समर्थक या इमरान खान के मंत्री गिरफ्तार होते हैं, उनकी नंगा करके पिटाई की जाती है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के अलावा पाकिस्तान में कोई हुकूमत कठपुतली की तरह होती है। केवल हुकूमत फौज की ही बात मानती है, इसीलिए अब उसको भी गिरफ्तार करवा लिया गया और उसकी जमकर के पिटाई हो रही है, क्योंकि उसने बाजवा के खिलाफ लगातार मुंह खोला था। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।